नमस्कार, एक और प्रॉब्लम है हमारे सामने इंटीग्रेशन से, कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन वही टेक्निक होगा, वन अपॉन अंडर रूट कुछ क्वाड्रेटिक दिख रहा है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, वन अपॉन रूट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस वन ही होना चाहिए, तो उसके लिए माइनस साइन कॉमन लिया, उसके साथ टू भी कॉमन ले लेते क्योंकि प्लस वन रखना है ना, तो टू को भी हटा देते हैं वहां से, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस फोर को माइनस टू से डिवाइड किया, सो यू विल गेट प्लस टू एक्स एंड माइनस ऑफ फाइव बाई टू, यही कुछ बचेगा। आगे बढ़ते, इस टू को तो हम बाहर कर सकते हैं, वन अपॉन रूट टू बाहर आएगा, माइनस ऑफ। अब चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का काम चालू करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, एक्स का जो भी कोफिशियंट है उसका आधा, तो वन, तो वन का स्क्वायर एड, वन का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये माइनस फाइव बाई टू एज इट इज। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, वो है एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इसके अलावा क्या बचा? माइनस साइन के साथ कुछ है, वन प्लस फाइव बाई टू, तो सेवन बाई टू हो जाएगा ये, जिसको हम रूट सेवन बाई टू का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, साथ में हमारे पास डीएक्स आएगा। अब इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो वन अपॉन रूट टू, क्या हो जाएगा हमारे पास? अंडर रूट सेवन बाई टू का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो वन अपॉन कुछ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या होता है उसका रिजल्ट? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहां एक्स के जगह एक्स प्लस वन है तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। रूट सेवन नीचे लिखते हैं और रूट टू को ऊपर लिख लेते हैं, नीचे भी लिख देते हैं तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, लेकिन ठीक है, प्लस अ कॉन्स्टेंट्स, ये हमारा आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। लास्ट आंसर में कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फाइनली ऐसा ही कुछ आंसर होगा। तो हमने देखा एक बार फिर से कैसे हमने सॉल्व किया, सबसे पहले रूट के अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर किया, फिर रिड्यूस किया उसको, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर फॉर्मूला लगाया। तो ऐसे और क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इंटीग्रेशन 2023 नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।